हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेशर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 6 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था 8 मार्च को ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने किस नाम से एक नए यूरेनियम की खोज की है जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका यूरेनियम 214 जिसका हाल ही में खोजा गया है चीन के वैज्ञानिकों ने, और इसको यहाँ पर सबसे हल्का, अब तक के जो उपलब्ध यूरेनियम्स थे उनमें सबसे हल्का यूरेनियम इसको माना गया है, यूरेनियम 214 को। यहाँ पर देखिएगा, ये खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कण के बारे में अधिक जानने के लिए मदद कर सकती है जो कि क्षय होकर कुछ रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस यूरेनियम 214 नामक यूरेनियम में प्रोटोनों की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो सिक्किम राज्य है उसी में यहाँ पर जो भारतीय सेना है उसने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं तो उत्तरी सिक्किम में ये 56 KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर के अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में भारतीय सेना ने किया है। प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और इसको लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ये जो परियोजना है इसको IIT मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगला अपडेट देखते हैं अपना। किस देश के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुआन जोएसा को ICC भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो श्रीलंका के ये यहाँ पर प्लेयर थे नुआन जोएसा, श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच रहे हैं, जिनको हाल ही ने ICC ने इस पर बैन लगा दिया है, 6 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला अपडेट देख लीजिएगा। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और एंटी COVID-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका जो सही आंसर है वो है कोजीत नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया है सशस्त्र बलों के द्वारा, ध्यान रखिएगा कोजीत। यहाँ पर कोजीत जो है ये हाल ही में शुरू किया गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करें तो कोजीत जो पहला या योजना है इसके तहत जो सशस्त्र बल हैं भारत के तीनों विंग के उनके कर्मी जो है वो इसमें शामिल हैं, और ये कर्मियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में मदद करने के लिए सेवा में लाया गया है। कोविड बेड स्थापित किए जाएंगे इसके तहत, और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने की लड़ाई में नागरिक प्रशासन को सहायता भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर COVID-19 राहत के लिए ये कोजीत शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। किसने हाल ही में तीसरी बार पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो आपका सही आंसर होगा ममता बनर्जी। अपडेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। अभी चुनाव हुए थे आपको पता ही है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 294 सीटें हैं जिसमें से यहाँ पर दो सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे, टोटल इसमें 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसके अंदर टोटल जो यहाँ की जो ममता की पार्टी है TMC इनके खाते में 213 सीटें आई है, जबकि भाजपा के केवल 77 सीटें यहाँ पर हासिल हुई है, और इसी कारण से यहाँ पर जो TMC इसको बहुमत हासिल हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर है वर्तमान में वह है जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ हैं, और ममता बनर्जी CM हो गए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देख लीजिएगा।
हर साल 5 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ये दोनों के दोनों दिवस हैं, ये हर साल 5 मई को मनाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार ध्रुवीय गति जो पोलर मोशन है निम्न में से किसके कारण होती है? तो अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है, लेटेस्ट जो अध्ययन जारी हुआ है, ठीक है, शोध जारी हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पर जलमंडल में परिवर्तन यानी कि जो ग्लेशियर वगैरह पिघलने के कारण जो जलमंडल में परिवर्तन होता है उसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठोस पृथ्वी में परिवर्तन की वजह से, तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो कारण हैं वो इसके जिम्मेदार हैं ध्रुवीय गति के यानी कि पोलर मोशन के। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित आयुष 64 क्या है? आयुष 64 जो है हाल ही में चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहा है, जो कि पोली हर्बल आयुर्वेदिक औषधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है? एक पोली हर्बल आयुर्वेदिक औषधि है आयुष 64। यहाँ पर इसकी बारे में बात करते हैं, देखिए आज जो आयुर्वेद मंत्री हैं शुक्रवार हाल ही में इन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड संक्रमण के लिए यहाँ पर आशा की एक नई किरण के रूप में उभर कर सामने आई है। यहाँ पर देखिएगा आयुष 64 मूल रूप से मलेरिया की एक दवा है जिसको 1980 में विकसित किया गया था और अब जो है ये कोरोना संक्रमण में काम ली जा रही है। तो अब ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है, जो अगर कोई मतलब कि नॉर्मल अगर कोविड-19 का रोगी है, नॉर्मल लक्षण है उसमें, तो वो यहाँ पर ये जो आयुष 64 है ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बताई गई है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मोस्टली इसको 1980 में मलेरिया के लिए बनाया गया था। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, 29वें युद्धवीर फाउंडेशन मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया इस बार डॉक्टर एविता फर्नांडीज को दिया गया है। 29वां ये युद्धवीर फाउंडेशन मेमोरियल अवार्ड था, ठीक है, डॉक्टर एविता फर्नांडीज। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, पुटोला नाच जो हाल ही खबरों में रहा था किस राज्य की एक पारंपरिक कठपुतली कला है? यहाँ देखिएगा ये यहाँ असम की एक पारंपरिक कठपुतली कला है पुटोला नाच, जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है अखबारों की। देखिए यहाँ पर मैं बता दो भी लेटेस्ट में क्या हुआ है कि जो पुटोला नाच वैसे जो है धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, यहाँ पर अभी अगर बात करते हैं तो इसका जो क्रेज है वो ख़त्म हो रखा है, लेकिन अभी इसको वापस से जो है उपयोग में लाया गया है कोविड-19 के यहाँ पर संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए, इस यहाँ पर कला को वापस से एक बार जो है उपयोग में लाया गया है, इसलिए अभी चर्चा में रही है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 है, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, होप आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।